सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर आई, किस तरह की अनूठी याचिका, सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकील को क्या सीख दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर एक ऐसी अनूठी याचिका आई जिसे देख एक बार को वे भी सोच में पड़ गए। याचिका लगाई गई थी एक वकील की ओर से जो एओआर या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की परीक्षा से जुड़ी हुई थी। ये पूरा मामला था क्या, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये साफ कर देते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की परीक्षा होती क्या है और इसे पास करने का क्या मकसद होता है। दरअसल जो वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ये परीक्षा एक तरह से अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करने की परीक्षा होती है। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही वे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के योग्य समझे जाते हैं। इस परीक्षा के जरिए किसी वकील के स्किल्स, उसकी क्षमता और उसकी कानूनी समझ को परखा जाता है। ये परीक्षा हर साल सिर्फ एक बार ही आयोजित की जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ये जरूरी परीक्षा एक तरह से प्रतिष्ठित परीक्षा के तौर पर देखी जाती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की परीक्षा को साल 1966 में रूल नंबर 2, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 के जरिए लागू किया गया था। इसके तहत हर वर्ष 4 पेपर होते हैं जिसमें से हर एक पेपर का मूल्यांकन 100 नंबर में से किया जाता है। अब इससे जुड़ी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष लगाई गई थी उसके जरिए एक वकील ने बताया था कि वो 5 बार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की परीक्षा दे चुका है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। जबकि उसने अपने आखिरी अटेम्प्ट के बारे में बताते हुए कहा कि आखिरी बार वो सिर्फ एक सवाल चूक जाने की वजह से असफल रहा। उसकी ऐसी याचिका पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नियम सभी के लिए एक समान है, ऐसे में किसी को अलग से फेवर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने केस को तुरंत प्रभाव से डिसमिस कर दिया। आपको बताते चलें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की परीक्षा को पास करने के बाद ही कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लायक समझा जाता है। ये पास करने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की पैरवी कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।